अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान फ्रॉम टेक्निकल जी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपने ब्रोकन फ़ोन की स्क्रीन अपने पीसी में चला सकते हैं। अगर आपका फ़ोन कोई डेड वगैरह हो गया या कुछ भी एक्सेसेड हो गया, तो आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने जो है इस पीसी की स्क्रीन में आप वो सारी चीज़ें मोबाइल की कंट्रोल कर सकते। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि भाई उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको ऑन करने के बाद वो पीसी में कनेक्ट होता है। तो जी हाँ, मोबाइल में एक ऐसा सेटिंग होता है जिसको ऑन करने के बाद ही वो पीसी में कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब ऐसे में ये होगा कि वो सेटिंग कुछ ऐसी है कि आपको सिंपली अभी से ऑन करना है। ऐसा ना हो कि कल को आपका फोन टूट जाता है, उसके बाद आप सोचेंगे यार हमें ये सेटिंग ऑन करनी चाहिए थी। वो ये होता है कि एक ही बार अगर आपने ऑन कर दी तो सारी जिंदगी के लिए, जब तक मतलब आपके लिए अपना फोन है, तो वो ऑन ही रहेगी और सिंपली आपको यहां पर कनेक्ट करनी पड़ेगी। उस सेटिंग का नाम है डेब्यूगिंग, ठीक है। उसको ऑन कैसे करते हैं मैं सारे स्मार्टफोन में आपको बताने वाला हूं। सैमसंग, वीवो और ओप्पो के जो भी स्मार्टफोन है, वो सारों में कैसे सेटिंग ऑन होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है और मैं सिंपली वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी आपको देखूँ वो डाउनलोड कैसे होता है, कौन सी साइट से होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि वो जो है क्रोम का जो ऐप स्टोर होता है वहाँ से डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। उसकी कौन सी साइट है उसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सिंपली आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि कम्प्लीटली उसका वर्क क्या है, वो क्या क्या काम करती है वो सॉफ्टवेयर। सबसे पहला जो मेन अहम काम है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका फ़ोन बिलाफर्ज की टूट जाता है, ठीक है। ऐसे में ये होता है कि आपको कोई डेटा निकालनी होती या आपका कोई एक्सेसरीज, मतलब डेटा ही अहम होती, मोबाइल तो इतना अहम नहीं होता। तो ऐसे में ये होता है कि आप सोच रहे हो यार मैं पैनल चेंज कर रहा हूँ, तो 7-8 हज़ार रुपये का वो पैनल है, तो यार कौन चेंज करवाए। अगर आपके पास पीसी है तो सिंपली आप अपनी मोबाइल की डेटा निकाल सकते हो वक्त के साथ, क्योंकि आपको तो पता है कि जब मोबाइल टूट जाए तो बनवाने का दिल नहीं करता। ऐसे में क्या होता है कि भाई आज बनवा रहा हूँ कल बनवा रहा हूँ, खर्चा ज़्यादा है, ये वैसे पड़े पड़े मोबाइल जो है ना फिर पड़े ही रहता है। तो ऐसे में ये होता है कि हम अपना पासवर्ड मोबाइल का भूल जाते हैं, तो कल को हमारा वो मोबाइल भी किसी काम का नहीं रहता। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी सारी डेटा निकाल सकते हो, अपने जो है अपने मोबाइल से किसी को भी व्हाट्सअप कर सकते हो डेटा, या ज़ेपिया के जरिए आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिंपली बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ कि वो सॉफ्टवेयर सिंपली डाउनलोड कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने जो है पीसी में जाना है, वहाँ पर आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर वाइजर सर्च करना है, तो उसकी जो पहली साइट आएगी आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहीं पर ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको विंडोज़ में उसका डाउनलोड करना है। तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं उसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो बताई कि पीसी में कैसे कनेक्ट होता है। तो यार सिंपली आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि यूएसबी डेब्यूगिंग कैसे ऑन करते हैं। तो सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, मैं आपको सिंपली यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ ले चलता हूँ और सिंपली इजी टू वे में आपको समझाने वाला हूँ और कनेक्ट भी करके दिखाने वाला हूँ कि वो कनेक्ट कैसे होते हैं। नहीं तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी पिछली वीडियो उसका थोड़ा सा शॉर्ट ले लूँगा, वही इस वीडियो में डाल दूंगा। तो नाराज़ मत होना, वीडियो जो है ना लाजमी से बनानी। तो ये जो है ना सेटिंग अहम थी, वरना मेरी पिछली वीडियो का कोई मकसद नहीं है। तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँ। तो लाइक लाजमी से करना है आपको। बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। फिलहाल मैं जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ वो है रीनो 3 प्रो। जी हाँ, आपके भाई ने थोड़ा अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपने अबाउट्स में जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो ये वर्जन है इसको आपको, जो आपका बिल्ड नंबर है इसको आपको 3 से 4 बार आपको क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, आपका जो मोबाइल मॉडल है वो डेवलप हो जाएगा। आपको बैक जाना है सिंपली। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर ऊपर सर्च करना है। अगर आप चाहें तो सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एडिशनल सेटिंग है यहाँ पर आपको जाना है, ठीक हो गया। और इसके बाद डेवलपर्स ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है और आपको जो है ना इसको ऑफ़ नहीं करना, इसको ऑन ही रहने देना है। तो नीचे यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, ये सामने ऑप्शन है 2nd नंबर पर यूएसबी डेब्यूगिंग, ठीक है। इसको आपको सिंपली ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ऐसे में क्या होगा कि आप जैसे इसमें डेटा केबल लगाओगे तो सिंपली आपके पीसी में आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है, इसको आपको ऑन रखे रहने देना है, इसको ऑफ़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इससे कोई भी ये नहीं, मतलब आपके मोबाइल पे जो है ना कोई भी इसका
असर वगैरह नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ने वाला, तो ऐसे में ये होगा कि आपका मोबाइल जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो होगी आपको लास्ट में समझ में आई होगी। मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई, तो वहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि यार ये जो है हमारे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सिंपली यार मोबाइल की ये सेटिंग होती है, इसको ऑन करोगे तो ही कनेक्ट होगा, वरना तो आपके किसी काम के नहीं। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी वो भी किसी काम के नहीं, और जो आपने सर्च किया वो सारा भी चीज़ें कोई किसी काम की नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं तो उसमें फुल नहीं बता रहे, बस हाफ से मतलब बता दे रहे हैं कि यार ये सेटिंग है, जो सेटिंग में ऑन होता है तो वो तो बिल्कुल नहीं बता रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो होगी आपको समझ में आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। कि USB डेब्यूगिंग कैसे ऑन करते हैं, तो सिंपली कुत्ते जलील चुप कर।